गाय चारों तरफ अंधेरा है और रात हो चुकी है, और मुझे यहाँ पर देखिए एक अंडा मिला है। तो गाय जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पीके ट्रैवलर में। और देखिए, ये जंगल ब्लॉक का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बताया था कि गेहूं कटाई हो चुकी है, और गेहूं कटकर पूली बंद करके एक जगह इकट्ठा करके मशीन से निकाला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उसी प्रोसेस में यहाँ पर एक छोटा सा दूसरा खेत था, वहां से ये गेहूं की पूलियां लाई जा रही हैं। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक ढेर बनाया जाएगा, यहीं पे सब इकट्ठी की जाएंगी, जिससे कि मशीन आएगी गेहूं निकालने की और यहीं पर लग जाएगी और यहीं से गेहूं निकलते रहेंगे। तो गाइस देखिए, कई सारे खेत इकट्ठा कर रहे थे, तो अब इकट्ठा करते करते अब रात हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि मशीन लगभग रात के 11-12 बजे तक आएगी और रात में ही गेहूं निकलेंगे। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग कब तक रहेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, और देखिए काफ़ी अंधेरा हो चुका है और मैं अभी भी तालाब पे ही हूँ। और वो जो इकट्ठा होने का प्रोसेस है, वो 2-2.5 घंटे और चलेगा, लगभग 10 बजे तक चलेगा। और 10 बजे के बाद बोल रहे हैं कि गेहूं निकालने की मशीन आएगी। तो गाय, जब मैं घर चलता हूँ फिर, तो ये होता है गेहूं निकालने का, गेहूं की फसल का प्रोसेस जो मैंने अभी दिखाया। गेहूं की फसल में ये अच्छी बात होती है कि गेहूं जो लगाए जाते हैं वो भी मशीन से लगाए जाते हैं, और जब निकलते हैं वो भी मशीन से निकलते हैं। लेकिन धान में बहुत दिक्कत होती है, धान में खेत को पलेवा किया जाता है। देखिए दोस्तों, तालाब में मछलियाँ कूद रही हैं, और फिर उसको एक एक करके पौधा उसमें खेत में लगाया जाता है, तो धान में बहुत दिक्कतें होती हैं, गेहूं में कम दिक्कतें होती हैं। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अंधेरा हो चुका है, और शाम को रात में मतलब देखिए ये है जंगल का नज़ारा। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे गिद्धों की आवाज़ आने लगेंगी, जो हाउलिंग करते हैं, गिद्ध बहुत सारे करते हैं यहाँ पे, और कई प्रकार के जीव जंतु अब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। रात का समय हो गया, रात ही होगी लगभग, और दूर दूर तक देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, सब लोग जो है खेतों से घर जा चुके हैं। कई बार तो जब हम छोटे थे तो यहाँ खेत पर ही 12-1 बजे तक मशीन का वेट करते थे, क्योंकि मशीन लिमिटेड होती हैं गांव में, और इतने सारे खेत होते हैं गेहूं निकलने के लिए, तो सब वेट करते रहते हैं कब आएगी मशीन। तो जब हम छोटे थे तो यहीं पे इन्हीं वाले खेतों में रात में वेट करते रहते थे, कब मशीन आएगी, कब गेहूं निकलेंगे, कब सब लोग घर के खेत घर पे जाएंगे खेतों पे से। और जो दादाजी लोग थे, उस समय साधन ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, तो गेहूं रखाने के लिए यहीं सोते थे सब दादा मिल करके, दादाजी पापा जी सब लोग यहीं पर सोया करते थे। और जब सुबह हो जाती थी तब गेहूं को गाड़ियों में भर करके घर ले जाते थे, क्योंकि रात में ना तो कोई मिलता था वो भरने के लिए गेहूं भी, और इतनी रात हो जाती थी, कोई साधन उधन भी नहीं था, और थक भी जाते थे। तो चलिए गाइस, एक चीज़ और दिखाता हूँ, यह है कीकर का पेड़, जिसको बबूल का पेड़ कहा जाता है, ये पूरे रास्ते पे झुका हुआ है। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। तो गाइस देखिए, फाइनली मुझे टिटिरी जो पक्षी होता है उसका देखिए अंडा मिल गया, ये रहा। और मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ, देखिए रात हो चुकी है, देखिए यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा है। अभी हम लोग खेत पर से गए नहीं है, क्योंकि ये अभी इकट्ठा हो रहा है और टाइम लग रहा है इसमें। तो अभी मैं ऐसे ही टॉर्च से जला के ये काम चल रहा है, तो मैं देख रहा था, तो ये अचानक मुझे टिटहरी का अंडा देखने को मिल गया। देखिए कितना भाग्यशाली हूँ मैं, और आप भी, वैसे तो देखने को मिलते नहीं है इतनी जल्दी से, और ये मिल गया है। अब मैं इसको सुरक्षित करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, बेचारा अकेला अंडा।
तो जो है इस पे कोई पैर रख सकता तो मैं इसको चारों तरफ से डेला रख के इसको सुरक्षित कर देता हूँ, ताकि कल को इसकी मम्मी आएगी तो वो देखेगी कि सुरक्षित अंडा, नहीं तो बेचारी परेशान हो रही होगी चारों तरफ। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों आप भी, ऐसा होता है टिटीरी का अंडा। टिटीरी पक्षी होती है जो कुटरकू करके बहुत बोलती है। तो देखिए गाइस, मैंने जो है चारों तरफ से ढेले रख के और ये लकड़ी लगा रखी है, अंडा सुरक्षित कर दिया। बाकी इसकी किस्मत कि बचेगा नहीं बचेगा,